हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक सिम्स। फुटबॉल प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है लीड्स बॉस्टन मैनचेस्टर सिटी के बीच 1:30 बजे। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की तो लीड्स और मैनचेस्टर सिटी में मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम नहीं है भाई। लिटरली इनका एक एक प्लेयर इंटरनेशनल लेवल का है, सीधी बात बता रहा हूँ आपको। आप अभी ना, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। अभी एक प्लेयर है रोड्रिगो मोरेनो, लीड्स का ही प्लेयर है और कंसिस्टेंसी में हर बड़ी टीम को गोल लगा चुका है, हर बड़ी टीम को, चेल्सी और लिवरपूल, टीओटी, ठीक है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि आज भी ये गोल करेगा, मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा है। अगर मैनचेस्टर सिटी ने मान लीजिए 4-5 गोल किए तो एक गोल अगर खा भी लेगी देन नथिंग, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जीत जीत होती है, भले ही वो एक गोल से आए या एक पेनल्टी ज़्यादा होने से आए। एंड एर्लिंग हॉलैंड, ये बेचारा फीफा में क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि इसकी कंट्री क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ही बिलोंग्स फ्रॉम नॉर्वे और नॉर्वे ने इस बार फीफा नहीं खेला था क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। बट मुझे बुरा लगा था क्योंकि इनकी वीक टीम है, लेकिन ये प्लेयर वीक नहीं है। इस प्लेयर में वो करने की शक्ति है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कंसिस्ट अभी ये मैच, ये बंदा अभी अभी ऐड हुआ था इस सीज़न, इस बंदे की 3 हैट्रिक आ चुकी हैं, 3 हैट्रिक्स एक सीज़न में प्रीमियर लीग के। मैं कह रहा हूँ 22 साल का ये लड़का है, 22 ईयर्स, और हैट्रिक आ चुकी हैं 3-3, मतलब 3 हैट्रिक। ओहो, मतलब क्या बोलूँ। एंड रियाद महराज की बात करें, यहाँ पे लेंगे रियाद को। रियाद ने अभी लास्ट मैच खेला था दूसरी लीग में, इंग्लिश कारबाओ लीग के अंदर, जिसके अंदर रियाद ने गोल किया था और इसके गोल के साथ साथ केडी ब्रून ने भी 2 असिस्ट की थी। तो केडी ब्रून को मत भूलना, शायद ये बेल्जियम से खेलता है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से खेलता है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। लोग रोड्री को लेंगे, बट आपने रोड्री की जगह लेना है इल्के को। इल्के गुंडोगन इज़ अ ग्रेट प्लेयर, जर्मनी का प्लेयर है, फीफा में भी क्वालिफाई थी इनकी टीम, बट डिस्क्वालीफाई हो गई थी बाद में क्योंकि बाहर हो गई थी। लेकिन इसने बहुत अच्छा खेला था मैच, और मतलब इसने गोल वगैरह भी शायद किया था, मैं भूल गया हूँ, शायद इसने इस सीज़न गोल मारा था। और आगे से बात करें समर वाइल की, अरे समर वाइल बड़ा खतरनाक बंदा है, इसका रिकॉर्ड देख के महल गया। लास्ट मैच के अंदर इसको लास्ट मोमेंट में लाइनअप्स में डाल दिया था 12 नवंबर को। ये प्लेयर मेरा छूट गया था, बाद में मुझे फील हो रहा कि मैंने प्लेयर लिया क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को जे एक होता है ना, जब आपको पता हो कि इस प्लेयर ने चलना है और तब भी आप ना लो, बहुत फील होता है। अब आप क्रिकेट में ले लीजिए, अगर आपको पता है कि एक बॉलर 3 विकेट ले रहा है, पता होने के बावजूद अगर नहीं लोगे तो फील होगा। इसलिए मेरे साथ वो हरकत हो गई थी 12 नवंबर को, मैंने उसके बाद ठान लिया था ये इस बंदे को ड्रॉप नहीं करूंगा, मैंने ठाना हुआ है। एंड एरनसन की बात करें, एरनसन थोड़ा तेज़ तो बनता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कंसिस्टेंसी में गोल आएगा देन फॉरगेट अबाउट इट, कंसिस्टेंसी में गोल नहीं आने वाला भाई। अगर एक गोल भी कर दे सीज़न में तो मैं कहूँगा वेल है, वो कर भी चुका है। एंड आगे से बात करें जाओ कैंसेलो की, जाओ कैंसेलो के बाद आ जाता है हमारा जे स्टोन्स, हमारे ये 2 प्लेयर डन है, पूरी टीम की वापसी हो चुकी है। नैथन एक ने भी गोल मारा था अभी अभी इंग्लिश कबराओ लीग के अंदर, सिलेक्शन थी इसकी 20-30%, और क्या ही बोलूँ भाई, क्या मैच था वो, लिटरली मज़ा आ गया था, और आज फिर लूँगा। आगे से अगर बात करें, यहाँ पर है मैसलियर को यहाँ पर लेंगे, हर बड़े प्लेयर की वापसी हो चुकी है, अब खेलना भी चाहिए। बात करें कैप्टन की, मेरा कैप्टन है एर्लिंग हॉलैंड, वाइस कैप्टन है केडी ब्रून। ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।